दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के कमल महल के बारे में। और दोस्तों, इस दौरान हम विजयनगर साम्राज्य, उनके राजा, उनके द्वारा बनवाई गई ऐतिहासिक इमारत और उसकी स्थापत्य कला के बारे में भी बात करेंगे। कमल महल का इतिहास। कमल महल कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। हम्पी प्राचीन काल में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इस महल को चित्रांगणी महल के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार से मुगल साम्राज्य में रानियों के रहने के लिए एक अलग महल का इंतजाम किया जाता था, जिसे जनान खाना कहा जाता था, उसी प्रकार से इस महल का निर्माण भी इसी उद्देश्य के साथ किया गया था। एक तरह से यह महल विश्राम स्थल था, जहाँ पर रानियाँ विश्राम किया करती थी। इसी महल में राजा कृष्णदेव राय अपने मंत्रियों के साथ बैठक लगाते थे। इस दौरान इस साम्राज्य पर मुगल साम्राज्य का आक्रमण हुआ और धीरे धीरे यह अपना अस्तित्व खोने लगा। कमल महल की वास्तुकला। कमल महल, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि कमल पुष्प का महल। इस महल का द्वार कमल का फूल रहा है। जिस प्रकार से कमल की पंखुड़ी खिली खिली होती है, उसी प्रकार से इस महल का भी डिजाइन बनाया गया था। महल के आंतरिक भागों को प्लास्टिक की सहायता से निखारा गया है। इसकी मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग 650 सालों से बृहद अंतराल के बावजूद इसमें कोई भी दरार नहीं आई है। इस महल में कुल 8 कमल के मेहराब का डिजाइन बनाया गया है, जिस पर बारीक कलाकारी के जरिए इसे सजाया गया था। यह 2 मंजिला इमारत है, जिसमें कुल 24 स्तंभ स्थित है। इन स्तंभों पर भी महीन कलाकारी की गई थी। संभवतः पहली मंजिल का प्रयोग राजा कृष्णदेव राय द्वारा किया जाता था। इस दौरान वह अपने मंत्रिमंडल की बैठक लगाते थे। वहीं दूसरी मंजिल का प्रयोग राजघराने की स्त्रियां किया करती थी। इस महल में हवा के प्रबंध का भी ख्याल रखा गया था, ताकि स्वच्छ हवा के जरिए इस महल की रौनक बनी रहे। इसी प्रकार का एक महल जयपुर में स्थित है, जिसे हवा महल के नाम से भी जानते हैं। चूँकि यदि तुलनात्मक रूप से बात की जाए तो हवा महल कमल महल की तुलना में कई बेहतर साबित होता है। फिर चाहे बात स्थापत्य कला की हो या फिर हवा की निकासी की, सभी में हवा महल का कोई जवाब नहीं है। महानवमी डिब्बा क्या है? महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य की सबसे खूबसूरत संरचना में से एक माना जाता है। असल में यह एक सामाजिक मंच है, जिसका प्रयोग प्रतियोगिताएं और उत्सवों के लिए किया जाता था। इसकी संरचना इतनी ऊँची है कि इसे पूरे शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। यह लगभग 40 फीट ऊंची बनाई गई थी। कमल महल टाइमिंग्स। दोस्तों, कमल महल सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और यह सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। कमल महल एंट्री फीस। भारतीय पर्यटकों के लिए 10 रुपये व विदेशी पर्यटकों के लिए 250 रुपये प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क लगता है। वहीं बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। कमल महल जाने का सबसे सही समय। कमल महल जाने के लिए नवंबर से फरवरी का समय पर्यटन के लिए उपयुक्त समय है। हाउ टू रीच कमल महल। कर्नाटक का बेल्लारी जिला लगभग सभी महत्वपूर्ण सड़क मार्ग, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कई बसें और रिक्शा इत्यादि मिल जाएगी। यदि हम ट्रेन के सफर की बात करें तो आपको हम्पी के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हासपेट मिलेगा। यहाँ से हम्पी की दूरी 12 किलोमीटर रह जाती है। रोजाना ही कई सारी ट्रेनें हम्पी के लिए रवाना होती है। यदि आप हवाई सफर करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा विजयनगर हवाई अड्डा है। यह हम्पी से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य ने 300 सालों से भी अधिक समय तक शासन किया था। इस दौरान उन्होंने कला एवं संस्कृति के विकास में काफ़ी योगदान दिया था। बात करें कमल महल की तो यह कमल महल आज भी बहुत खूबसूरत दिखता है। इस महल की देखरेख का कार्य कर्नाटक सरकार द्वारा किया जाता है। महल के आसपास हरियाली होने की वजह से यह महल काफ़ी आकर्षक दिखता है। कमेंट में बताई कि यह जगह आपको कैसी लगी। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।